आज पवन पावन दलाई लामा महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में करीब 45 मिनट पूजा अर्चना के बाद पूजा अर्चना की है। इस मौके पर मगध कमिश्नर TN विंदेश्वरी, DM अभिषेक सिंह के साथ साथ जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। पहाड़ के तलहट्टी में बसे गया दुर्वा प्रखंड बेला गांव के युवा शिक्षा का दीप जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहां के यूथ अपने पॉकेट मनी से एक संस्था चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को तालीम बांट रहे हैं। ग्रामीण जफीर अंसारी ने बताया कि टैलेंट हंट के सफल प्रतिभागियों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर हौसला। अपराधियों ने रविवार की शाम एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पॉलीथीन बैन को लेकर जन जागरूकता के लिए रविवार की संध्या शहर में नगर निगम के तत्वावधान में कैंडल मार्च निकाला गया, जो आजाद पार्क से निकलकर कोतवाली GB रोड होते हुए टावर चौक पहुंचकर संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व उपमहापौर मोहन श्रीवास्तव ने किया। उपमहापौर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि 14 दिसंबर से पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। लोगों के पास 21 दिसंबर तक अंतिम समय है। जिनके पास इसका स्टॉक है वे उसे समाप्त कर लें, अन्यथा जिला से गठित स्क्वाड टीम के निरीक्षण में पकड़े जाने पर पॉलीथीन तो जब्त हो गई, साथ ही साथ ₹5,000 तक जुर्माना देना पड़ेगा। इस मौके पर नगर आयुक्त ईश्वर चंद्र शर्मा, डॉक्टर भुवन मोहिनी, अनामिका अंबर, हिमांशु बवंडर, पंकज जैन, सर्वेश अस्थाना, ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमारा ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, गया को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, रोगों से मुक्त करना है, एक जागरूकता अभियान लाना है, उसमें हम सब कवि आदरणीय मोहन श्रीवास्तव जी के साथ है, पूरे नगर निगम के साथ है। यहाँ गया में आकर के यदि हम लोगों ने कैंडल लेकर के एक शपथ ली है, तो हम सब ने ये शपथ इसलिए ली है कि हम चाहते हैं कि गया नशा मुक्त हो। यहाँ पर जागरूक अभियान जो चला है वो जागरूकता की ओर अग्रसर हो और पॉलिथिन बंद हो। स्वच्छ गया, सुंदर गया, गया को सुंदर बनाना है, बनाना है, बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नुक्कड़ सभा चल रही है, अंचलवार ये सभाएं होते होते आज देश दुनिया के जाने माने लोग यहाँ पर आकर के सब जगह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी आके रिक्वेस्ट किया है। और आज कैंडल मार्च के माध्यम से गया शहर से मगध विश्वविद्यालय में 6 बिहार बटालियन MCC द्वारा आयोजित कैंप में विधिवत प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। मौके पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जयेश के अर्धवीर, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरविंद राणा, सूबेदार मेजर सत्यपाल सहित कई जवान उपस्थित थे। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा रविवार को विशेष चार्टर विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच धर्मगुरु दलाई लामा बोधगया तिब्बत मंदिर पहुंचे। गया एयरपोर्ट पर DM अभिषेक सिंह, SSP राजीव मिश्रा, आयुक्त व DIG ने उनका फूल और खादा देकर स्वागत किया। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में विशेष पूजा सत्र की अगुवाई करने के लिए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोधगया पहुंचे हैं। दलाई लामा के दर्शन के लिए श्रद्धालु कतार बनाकर घंटों सड़क के किनारे खड़े रहे। दलाई लामा बोधगया में 22 दिनों तक रहेंगे और 24 से 21 दिसंबर तक कालचक्र मैदान में टीचिंग का कार्यक्रम है। इस बीच महाबोधि मंदिर में भी पूजा अर्चना और दिनांक 24 से 21 तक उनका कालचक्र मैदान में मास टीचिंग का प्रोग्राम है। और इस पूरे व्यवस्था में सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरा उनका बोध गया भ्रमण शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे माहौल में। इस दौरान महापावन दलाई लामा जी द्वारा कुछ जगहों पर टीचिंग का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। उस सबके लिए जो हम लोग एडिशनल दंडाधिकारी पुलिस फोर्सेस का तैनाती हुई है वो सारी की जा चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा उनका इस साल का भ्रमण अच्छे माहौल में और शांतिपूर्ण। गया नगर निगम के द्वारा पॉलिथीन बंद पर आजाद पार्क में जागरूकता अभियान से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को प्रदूषण मुक्त, नशा मुक्त, शौच मुक्त बनाने हेतु आसपास क्षेत्र से आए लोग कुछ अलग ही अंदाज में नगर निगम के द्वारा जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आँखों में जल गंगा जल सा दे देना कब चाहा। लोक कला विकास मंच इमामगंज द्वारा बिग चैलेंज 2 का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 675 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। गया शहर के हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में मगध विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मैच राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद
वर्सेस पीजी डिपार्टमेंट कॉलेज बोधगया के बीच खेला गया। ग्राम पंचायत सिद्धपुर में पंचायत स्तरीय राजद की बैठक की गई। एचएसपी मेमोरियल एकेडमी में की गई बैठक जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष अरशद खान ने की। सिद्धपुर पंचायत में आने वाले लोकसभा चुनाव को तैयारियों को लेकर की गई बैठक। इमामगंज शेरघाटी स्टेट हाईवे 69 के इमामगंज थाना क्षेत्र के गुड़िया हाई स्कूल के पास ग्रामीणों ने रास्ता को लेकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन मालिकों ने बिना मुआवजा या बिना पूर्व नोटिस दिए ही गुड़िया हाई स्कूल से गिरिया जाने के लिए सड़क बनाया जा रहा है जो पूर्व में स्थानीय निजी जमीन यहाँ पर ही जो है जी उन लोग यहाँ पर ही उन लोगों के साथ कह रहे थे कि जो भी है कानून कागज वगैरह देखा करके कार्ड जो है जबरदस्ती करके मारपीट करके रोड बना रहे हैं। मिसेस प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स डील्स इन ऑल टाइप ऑफ इंटीरियर। यदि आप अपने घर में इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवा रहे हैं तो फिर बगैर आकर्षक लाइटों के ये अधूरा होगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, एएन रोड, किरानी घाट, पेट्रोल पंप, गया। मोबाइल नंबर 9123136522 और 9122474266। डील्स इन ऑल टाइप ऑफ इंटीरियर लाइटिंग, लाइटिंग एलईडी एंड वॉलपेपर, फेंस, वॉल लाइट, झूमर, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, फॉल सीलिंग एंड मिनिमो। मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, एएन रोड, किरानी घाट, पेट्रोल पंप, गया। मोबाइल नंबर 9123136522 और 9122474266। मिलन ऑर्केस्ट्रा बिहार का नंबर वन। मिलन ऑर्केस्ट्रा किसी भी शुभ अवसर पर ऑर्केस्ट्रा जागरण इवेंट हेतु आज ही संपर्क करें। मिलन ऑर्केस्ट्रा बागेश्वरी पावरगंज बैरागी नियर पीएनबी बैंक गया। मिलन ऑर्केस्ट्रा से बारात के लिए बग्घी इवेंट ऑर्केस्ट्रा हेतु लेडीज और जेंट सिंगर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें मिलन ऑर्केस्ट्रा बागेश्वरी पावरगंज बैरागी नियर पीएनबी बैंक गया। मोबाइल नंबर 9931692911 और 9835071035। पेट सेंटर 25 एकड़ में बना फार्म हाउस जहां आपको मिलेगा हर वैरायटी के डॉग, लेब्रा, जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर, पिटबुल इत्यादि। साथ में डॉग फूड एज ए सीरीज भी उपलब्ध। फार्म हाउस में मौजूद है कई वैरायटी के रंग बिरंगे आकर्षक बर्ड्स। साथ में बर्ड्स को घरों में सजाने के लिए पिंजरा भी मौजूद। हमारे यहां हर नस्ल का बकरा भी मौजूद। शादी, बर्थडे, किसी भी कार्यक्रम हेतु सस्ते कीमत पर वजन कराकर बकरा खरीदें। हमारा पता सीताकुंड बाईपास के दक्षिण हलगू नदी के किनारे। मोबाइल 8210079269। बनाने के लिए आपके साथ है SHK Films एडिटिंग लैब। शादी हो, बर्थडे हो या रिसेप्शन, हर लम्हों को कैद करके रखते हैं, वो भी परफेक्शन के साथ। हमारा काम ही हमारी पहचान है। SHK Films एडिटिंग लैब सालों साल से सिर्फ आपकी सेवा में। एक बार जरूर आए SHK Films एडिटिंग लैब। कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना हो या अपना कोई एल्बम बनाना हो, आप सभी का स्वागत है। गाना तो आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैसे? क्षेत्रीय कलाकार हमसे संपर्क करें। SHK Films एडिटिंग लैब नियर मिर्जा गालिब कॉलेज गया। मोबाइल नंबर 9934605114 एंड 9852091275। किसी भी शुभ अवसर पर कव्वाली या गजल के कार्यक्रम के लिए संपर्क करें बिथो शरीफ दरगाह के कव्वाल जनाब रियान वारिस सूफी कव्वाल एंड गजल सिंगर रियान वारिस सन ऑफ राजन भारती कव्वाल किंग ऑफ गजल रियान वारिस बिथो शरीफ दरगाह गया बिहार। मोबाइल नंबर 9934264891 और 7050029862। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ दो कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक।
अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहाँ वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल।